Hello everyone, today we have a very very important session for especially for the mathematics students, right, who are studying in IST board. ठीक है, चाहे आपने कॉमर्स विथ मैथ्स ऑप्ट किया है या फिर आप PCM साइड से हैं, ये आपके लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट वीडियो होने जा रहा है. राइट, वेयर विल बी स्टडिंग अबाउट द राइट विल बी लर्निंग अबाउट द चेंजेस दैट यू कैन एक्सपेक्ट इन द मैथमेटिक्स पेपर इन द कमिंग ईयर. ठीक है, यहाँ पे मैं क्या आज अभी इस वीडियो में आप क्या क्या एक्सपेक्ट करोगे, लेट्स टॉक अबाउट दैट क्विकली. आई टॉक अबाउट द चेंजेस इन द पैटर्न, आई टॉक अबाउट द इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स एंड वेटेज ऑफ द एग्जामिनेशन. मैंने इसको काफ़ी टाइम लगा करके इस चीज़ को बनाया है, तो इसको तुम ज़रूर से नोट कर लेना. राइट, स्पेशली जो बच्चे मेरे साथ जुड़े हुए नहीं हैं, जो इस वीडियो को बाद में यूट्यूब पे देख रहे होंगे, राइट, दे शुड ड्रॉप अ व्हाट्सएप मैसेज. अगर आपको ये PDF चाहिए तो आप ये व्हाट्सएप मैसेज इस नंबर पर ड्रॉप करना, 9319666162. राइट, सो इन केस यू आर वॉचिंग इट ऑन यूट्यूब, यू शुड ड्रॉप अ व्हाट्सएप मैसेज ऑन दिस नंबर मैंशनिंग योर नेम, योर सिटी, योर स्कूल नेम एंड मैंशन दैट यू वॉन्ट द PDF ऑफ द टिप्स एंड टेक्निक्स, राइट, टिप्स एंड स्ट्रेटजीज फॉर IST 2021. ठीक है, वो मेंशन कर दोगे तो यू विल बी गेटिंग दैट एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट, नो चार्जेस फॉर एनीवन. ओके, तो आइए इसमें आगे बढ़ेंगे, देखते हैं और क्या है हमारे पास. विल बी डिस्कसिंग अबाउट द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस, राइट, श्योर शॉर्ट क्वेश्चंस जो कि तुम्हारे एग्जाम में मेरे एक्सपीरियंस से, मेरी गेस्ट से, मुझे लगता है कि हाँ, बेस्ड ऑन माई टीचिंग एक्सपीरियंस ऑफ मोर देन 12 ईयर्स, राइट, मैं हमेशा जनरली गेस्ट करता हूँ और 80% ज़्यादा गेस्ट मेरे हमेशा करेक्ट होते रहे अभी तक. आई जस्ट होप इस बार भी ऐसा होना चाहिए. ठीक है, देन एट दी एंड आई विल टॉक ऑफ 20 मार्क्स प्रोजेक्ट आउटले, यानी एग्जैक्टली इसमें क्या फॉर्मेट है, किस तरीके से तुम्हें करना है, और उस जो टॉपिक्स आपको बोर्ड की तरफ से दिए गए हैं, राइट, रिड्यूस टॉपिक, जो सिलेबस रिड्यूस होने के बाद प्रोजेक्ट के भी टॉपिक रिड्यूस कर दिए गए हैं, तो उसमें जो रिड्यूस टॉपिक है उनमें से एक टॉपिक का मैं तुम्हें इंटायरली सैम्पल प्रोजेक्ट कम्प्लीटली दूंगा और उसका PDF भी आपके पास आ जाएगा. ठीक है, इमिडिएटली आफ्टर द क्लास. ठीक है, तो आइए देखते हैं, लेट्स सी, दैट इज द एजेंडा. आई एम श्योर दिस इज गोइंग टू बेनिफिट यू इन अ ह्यूज वे. सो IST मैथमेटिक्स, दैट द पेपर कोड 860, राइट, यू हैव अ थियोरी पेपर जो अर्लियर 100 मार्क्स का हुआ करता था, वो 80 मार्क्स का है, एंड द प्रोजेक्ट वर्क जो 20 मार्क्स का है. ठीक है, इन सबको डिटेल में एक एक करके स्टडी करने जा रहे हैं हम लोग. आइए 80 मार्क्स को पहले स्टडी करते हैं. 80 मार्क्स में आपके पास ये जितनी भी चीज़ें मैंने गैदर की हैं, वो कुछ मैंने बुक्स यूज की हैं, और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली जो आपकी मेन वेबसाइट है, ऑफिशियल वेबसाइट है CIST का, मैंने उस वेबसाइट से मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन गैदर करी है, कुछ अपने एक्सपीरियंस को वहाँ पे मिक्स एंड मैच किया है. तो दैट इज द मिक्स ऑफ ऑल दैट, राइट, वॉट एवर यू आर वॉचिंग, दैट इज द मिक्स ऑफ ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ IST बोर्ड एंड सम गुड बुक्स एंड अलॉन्ग विद माई एक्सपीरियंस. ठीक है, इन सब का ये मिक्स एंड मैच है, तो आई होप इट शुड बेनिफिट यू इन द बेस्ट पॉसिबल वे. नाउ इफ यू लुक हियर, तो यहाँ पे अगर आप देखें तो जो अभी जो पैटर्न जो आपके बोर्ड ने रिलीज करा है उसमें रिलेशंस एंड फंक्शंस, राइट, हालांकि सिलेबस बहुत कम हो चुका है, रिलेशंस एंड फंक्शंस में अगर तुमने देखा है तो सिर्फ डिफरेंट टाइप ऑफ रिलेशंस पे तुम्हें वर्क करना है और फंक्शंस में सिर्फ 1-1 ON 2 पे वर्क करना है. रेस्ट एवरीथिंग हैज बीन ओवर, सारी चीज़ें हटा दी गई हैं सिलेबस से. ठीक है, सारी चीज़ें हटा दी गई हैं, फंक्शंस में सिर्फ 1-1 ON 2 पे तुम्हें वर्क करना है, दैट इज ऑल. रिलेशंस में मेनली वो जो तुम्हारे टाइप के रिलेशंस थे कौन कौन से, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव एंड इक्विवेलेंस, दैट इज ऑल. ठीक है, अगर तुमने इतने पे वर्क कर लिया, इतने से टॉपिक वर्क कर लिया, 10 मार्क्स हो गए, बताओ, इट्स सो डैम इजी. ठीक है, अलजेब्रा, यू नो अलजेब्रा में वही मैट्रिक्स, डिटरमिनेंट एंड ऑल दोज थिंग्स. ठीक है, उसमें आपके पास कितना है वहाँ पे, यहाँ पे आपके जो है वो 10 मार्क्स के क्वेश्चन मिलेंगे. ठीक है, एक और चीज़ मैं यहाँ पे गलत बोल गया, फंक्शंस में तुम्हारा ITF भी आएगा. ठीक है, ITF इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ द रेसिडेंट फंक्शंस. ठीक है, फंक्शंस में ITF भी आएगा, सो दैट विल इंक्लूड 10 मार्क्स. यू हैव कैलकुलस, जो पहले 44 मार्क्स की हुआ करती थी, अब वो 32 मार्क्स की है, पहले 100 में से 44 थे, अब 80 में से 32 है. मोर और लेस वेटेज देखा जाए तो ऑलमोस्ट उतना ही है, परसेंटेज वेटेज उतना ही है. देन प्रोबेबिलिटी के 13 मार्क्स के क्वेश्चन होने जा रहे हैं. ओके, तो 65 मार्क्स का ये जो सेक्शन ए है, राइट, विच इज कंपल्सरी फॉर ऑल द स्टूडेंट, राइट, विच इज कंपल्सरी फॉर ऑल द स्टूडेंट, ये आपको सेक्शन ए सब सभी को करना होता है. 65 मार्क्स का कुछ इस तरह का ब्रेकअप है. देन सेक्शन बी और सेक्शन सी ऑप्शनल होते हैं. कॉमर्स वालों के लिए सेक्शन सी कंपलसरी होता है. ठीक है, कॉमर्स के स्टूडेंट को यही करना होता है, दे आर नॉट सपोज टू अटेम्प्ट सेक्शन बी,
बट द साइंस स्टूडेंट्स दे हैव अ चॉइस, दे कैन ईदर ऑप्ट फॉर सेक्शन बी और दे कैन गो फॉर ऑप्शन सेक्शन सी. माई सजेशन इज कि साइंस के बच्चों को सेक्शन बी करना चाहिए, ठीक है. रेस्ट इज योर चॉइस, बोर्ड ने आपको चॉइस दी है ना, आप दोनों में से कहीं पे भी कर सकते हैं अटेम्प्ट, नो प्रॉब्लम. बट यस, मेरा स्ट्रॉन्ग ये सजेशन है कि आपको सेक्शन बी पे ज़्यादा वर्क करना चाहिए, क्योंकि ये अल्टीमेटली आपको कॉम्पिटिशन में भी ज़्यादा हेल्पफुल होता है. ओके, तो अब इसमें क्या है, वेक्टर्स के क्वेश्चंस हैं, राइट. वेक्टर्स के क्वेश्चंस आपके पास 5 मार्क्स के आएंगे, 3D के क्वेश्चंस 6 मार्क्स के आएंगे, और एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल से आपके पास 4 मार्क्स का क्वेश्चन होगा, ठीक है. और अगर आप सेक्शंस की, अगर आप कॉमर्स साइड से हैं या फिर आप साइंस साइड के हैं और आपको इन टॉपिक से थोड़ा सा घबराहट होती है, हालांकि होनी नहीं चाहिए, राइट. तो इन दैट केस यू ऑप्ट फॉर सेक्शन सी, जिसमें आप एप्लीकेशन ऑफ कैलकुलस, राइट, जिसमें जो एप्लीकेशन ऑफ कैलकुलस में जो क्वेश्चंस आते हैं, जैसे कि मैक्सिमम वैल्यू कैलकुलेट करने के ऊपर, है ना, मैक्सिमम मिनिमा नहीं, वो तो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स हो गया, एप्लीकेशन ऑफ कैलकुलस आई एम श्योर आप समझ रहे होंगे, ठीक है. देन लीनियर रिग्रेशन के ऊपर क्वेश्चंस होंगे, एंड देन फाइनली लीनियर प्रोग्रामिंग के ऊपर क्वेश्चंस होंगे, ठीक है. लीनियर प्रोग्रामिंग में मेरा गेस ये कहता है, स्पेशली जो लोग सेक्शन सी में हैं, अभी मैं ये बातें और भी सारे टॉपिक्स बताऊंगा, यहाँ पे जो फूड वाले क्वेश्चन हैं इस साल के लिए, और जो ट्रांसपोर्टेशन वाले क्वेश्चन हैं, राइट, फूड मतलब ये जो डाइट वाले क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, अगर आपने कर रखा है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं किया तो आप इसको देखेंगे. डाइट वाले क्वेश्चन और ट्रांसपोर्टेशन वाले क्वेश्चन पे ज़्यादा वर्क कर लेना. मेरा गेस ये कह रहा है कि इस साल ये 4 मार्क्स इन्हीं दोनों से आने जा रहा है, राइट, डाइट क्वेश्चन एंड ट्रांसपोर्टेशन क्वेश्चन, दैट इज माई गेस, ठीक है, विच इज करेक्ट मोर देन 80% ऑफ द टाइम, ठीक है. तो गेस ये वाइल्ड गेस नहीं है, दिस इज बेस्ड ऑन द रीडिंग, जो पैटर्न हमेशा चेंज होता रहता है उसको बेस्ड है. चलो देखो, अब इसको भी फर्दर मैं ब्रेक कर रहा हूँ इन द नेक्स्ट 5-10 मिनट, क्या व्हाट टू एक्सपेक्ट एंड व्हाट नॉट टू एक्सपेक्ट, इन सब की बात मैं करने जा रहा हूँ, ठीक है. 3 आवर्स के क्वेश्चन पेपर में आपके पास 80 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर है, जिसमें 65 मार्क्स आपके पास सेक्शन ए में है और 15 मार्क्स आपके पास सेक्शन बी या फिर सेक्शन सी में है. ईदर यू विल बी गोइंग फॉर सेक्शन बी और यू विल बी गोइंग फॉर सेक्शन सी, ठीक है. दोनों में से कोई एक सेक्शन आप बात करेंगे, राइट. प्लीज टर्न ऑफ योर माइक, राइट, प्लीज टर्न ऑफ योर माइक. ओके, नाउ 15 मार्क्स जो है आपके पास 1 मार्क क्वेश्चन होंगे, यहाँ पे समझने की बात की है, राइट. ये जो 1 मार्क क्वेश्चन होंगे बेटा, यहाँ पे आप ये ध्यान रखना कि जो 1 मार्क क्वेश्चन है ये MCQ टाइप में हो सकते हैं, FIB में हो सकते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स, राइट, और 1 वर्ड आंसर्स भी हो सकते हैं, 1 वर्ड एंड 1 सेंटेंस आंसर, ठीक है. 1 मार्क 15 क्वेश्चन तुम्हारे पास 1 मार्क के सेक्शन ए में है और 5 क्वेश्चन तुम्हारे पास सेक्शन बी / सेक्शन सी में, टोटल 20 क्वेश्चन हैं. एग्जैक्टली CBSE को कॉपी करा जा रहा है. CBSE में भी 20 मार्क्स के क्वेश्चंस लास्ट ईयर से ही स्टार्ट हुए थे, MCQ प्लस ये, ठीक है. सो यू शुड एक्सपेक्ट कि यहाँ पे आपके पास MCQ क्वेश्चंस आने जा रहे हैं, ठीक है. MCQ क्वेश्चंस आएंगे, फिल इन द ब्लैंक्स आएंगे और 1 मार्क क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है. 15 क्वेश्चन सेक्शन ए में और 5 क्वेश्चन सेक्शन बी और सेक्शन सी दोनों मिला करके, ठीक है. मतलब सेक्शन बी में भी 5 होंगे, सेक्शन सी में भी 5 होंगे, ठीक है. देन यू हैव 2 मार्क क्वेश्चन, 5 मार्क्स, 5 क्वेश्चन होंगे 2 मार्क्स के, राइट. टोटल अगर तुम देखते जाओ तो ये तुम्हारे पास 15 मार्क्स हो गए बेटा, यहाँ पे तुम्हारे पास 10 मार्क्स हो गए, यहाँ पे तुम्हारे पास 2 इंटरनल चॉइसेस होंगे, राइट. किसी भी 2 क्वेश्चन में यू विल हैव इंटरनल चॉइसेस, ओके. 4 मार्क्स क्वेश्चन तुम्हारे पास 4 क्वेश्चन होंगे, जिसमें से 2 क्वेश्चन में तुम्हारे पास इंटरनल चॉइसेस होंगे, ओके. दैट मेक 16 मार्क्स फ्रॉम हेयर. एंड देन फाइनली 6 मार्क्स क्वेश्चन भी आपके पास टोटल 4 क्वेश्चन होंगे और यहाँ पे भी 2 क्वेश्चन में इंटरनल चॉइसेस होंगे. And I hope you know the meaning of internal choices. Overall, when you sum it up, you exactly get what? 65 marks. इस तरीके से paper का जो section A है, उसका breakup कुछ ऐसा होगा. थोड़ा सा patience रखो, मैं तुम्हें अभी exactly ये बताने जा रहा हूँ कि तुम किस category में किस topic से question expect कर सकते हो. Right? That is something that I would say that I have taken from my experience and some previous year question जो हमने पिछले 10 साल का, 12 साल का analyze करा है, उसके basis पे मैंने ये भी guess किया है इस video में कि 6 मार्क्स में कौन से टॉप क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, 4 मार्क्स में कौन से एक्सपेक्ट कर सकते हैं, 2 मार्क्स में कौन से एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ये सारी बातें अभी मैं करने जा रहा हूँ, ठीक है. सिमिलरली सेक्शन बी और सी की अगर आप बात करें तो आपके पास 5 क्वेश्चन यहाँ पे 1 मार्कर हैं, राइट. अगेन यहाँ पे जो 1 मार्कर हैं, इसमें MCQ, फिल इन द ब्लैंक्स, 1 वर्ड या 1 सेंटेंस सोल्यूशन वाले क्वेश्चन आपके पास यहाँ मिल सकते हैं. 2 मार्क्स क्वेश्चन आपके पास सिर्फ एक है यहाँ पे, जिसमें इंटरनल चॉइस होगी, ठीक है.
फोर मार्क्स क्वेश्चन आपके पास यहाँ पे दो हैं, जिसमें एक क्वेश्चन में आपके पास इंटरनल चॉइस होगी। ठीक है बच्चों, आई बिलीव कि आप इन चीज़ों को प्रॉपरली अपने साथ नोट करते चलें। बाकी मैं इसका पीडीएफ भी आपको सेंड कर दूंगा इमीडिएटली आफ्टर द क्लास, आई विल शेयर द पीडीएफ विद यू। आई अगेन रिपीट, जो लोग मेरे साथ रेगुलर क्लास में नहीं जुड़े हुए हैं, दे आर ऑल्सो आई मीन दे विल बी गिवन द पीडीएफ, बट जस्ट मेक श्योर दैट यू ड्रॉप अ व्हाट्सएप मैसेज ऑन दिस नंबर। राइट, इफ यू ड्रॉप अ व्हाट्सएप मैसेज ऑन दिस नंबर, द पीडीएफ विल बी शेयर टू यू। यू आर सपोज टू राइट योर नेम, योर स्कूल, योर सिटी, राइट, you just mention it and the PDF will be sent to you, this entire PDF, right? इसमें मैंने sample project तक बना रखा है, ठीक है, वो सारी चीज़ें आपको WhatsApp पे दे दी जाएंगी। Okay, let's move ahead. Decoding the questions that you should expect in different categories. Now, this is something that comes from my experience and the study that I have done in the previous 10-12 years, जो आपका paper pattern रहा है उसको मैंने study करके ये guess किया है, ठीक है? And believe me, अभी तक के एक्सपीरियंस में मेरा 80% से अधिक गेस हमेशा काम आया है, बेटा ध्यान रखना, ठीक है? तो आप इसको इसी बेसिस पे अगर आप अपनी स्ट्रैटेजी बनाओगे, राइट, टाइम मैनेजमेंट रखोगे, हर छोटी छोटी चीज़ हम अभी डिस्कस करने जा रहे हैं, ठीक है? सेक्शन ए जो आपके पास 65 मार्क्स का है, इसमें लेट अस स्टार्ट फ्रॉम द जिसकी वेटेज सबसे ज़्यादा है, राइट, आपको ही पता है सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट 4 मार्क्स और 6 मार्क्स ही होते हैं, है ना? 1 मार्क या 2 मार्क्स की बात हम करेंगे बट थोड़ा लेट करेंगे। सबसे पहले जिसकी वेटेज सबसे ज़्यादा उसकी बात करते हैं। 6 मार्क्स में तुम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो? यू शुड एक्सपेक्ट श्योर शॉट मैक्सिमम मिनिमम क्वेश्चन, राइट, विच विल बी अ वर्ड प्रॉब्लम, ठीक है, विच विल बी अ वर्ड प्रॉब्लम। एक मैक्सिमम मिनिमम का क्वेश्चन आना फिक्स है, जो वर्ड प्रॉब्लम पे बेस्ड होगा, ठीक है बच्चों? प्रोबेबिलिटी स्टिल बेस्ड थ्योरम एज ऑन दी डिलीटेड टॉपिक्स, अगर आप देखें जो टॉपिक ऑमिट कर दिए गए हैं तो बेस्ड थ्योरम तक की प्रोबेबिलिटी ही आपके पास है, ठीक है? उसका जो स्टैट्स वाला पार्ट है दैट इज कैंसल्ड। तो प्रोबेबिलिटी से एक क्वेश्चन 6 मार्क्स का कंपलसरीली आना चाहिए। इनडेफिनिट इंटीग्रेशन का एक बढ़िया सा क्वेश्चन, राइट, इसमें भी मैं तुम्हें टाइप भी बता सकता हूँ अपने हिसाब से। जो स्पेशल इंटीग्रल्स हैं उस पे क्वेश्चन आपको मिलने के चांसेस, जो 9 फॉर्मेट्स हैं स्पेशल इंटीग्रल्स के, ठीक है? या फिर पार्शियल फ्रैक्शन से एक क्वेश्चन आपको मिल सकता है। मतलब इसमें दो कैटेगरी में 6 मार्क्स में इनडेफिनिट इंटीग्रेशन में आपको क्वेश्चन मिलना चाहिए, एक स्पेशल इंटीग्रल वाले फॉर्मूले से और दूसरा पार्शियल फ्रैक्शन से, या तो हो सकता है यहाँ पे ऑप्शन भी हो सकता है, ठीक है? बिकॉज आपको ध्यान होगा 6 मार्क्स में दो क्वेश्चन में तुम्हारे पास ऑप्शन थे, ठीक है? एंड देन मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट से एक क्वेश्चन कंपलसरीली आना है। मैट्रिसेस से अगर मैं बताऊं तो जहां तक चांसेस हैं, जो अगेन मेरी रीडिंग कहती है, मेरा गेस कहता है, मैट्रिसेस से सॉल्विंग द इक्वेशन से क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ISC 2021 सॉल्विंग द इक्वेशन, राइट, AX + BY + CZ फ्री वेरिएबल इक्वेशन जो आप लोग सॉल्व करते हैं मैट्रिक्स मेथड से, सॉल्व करने को ऐसा कुछ आ सकता है, मेरा गेस ये कहता है। डिटरमिनेंट से जो क्वेश्चन आना चाहिए दैट शुड बी प्रूविंग बेस्ड ऑन प्रॉपर्टी ऑफ डिटरमिनेंट, बेस्ड ऑन प्रॉपर्टी ऑफ डिटरमिनेंट, प्रूविंग के ऊपर क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है? प्रॉपर्टी ऑफ डिटरमिनेंट के इस पे क्वेश्चन आने के पूरे पूरे चांसेस हैं बच्चों। That when you move on to 4 mark category, again यहाँ पे भी एक question आपको probability का expect करना चाहिए। एक question यहाँ पे definite integration का sure shot आने जा रहा है और ITF का भी एक 4 mark question में category में जरूर से आएगा। इसमें भी मैं अगेन तुम्हें एक specific question type दे रहा हूँ। इसमें जो tan inverse के base जो property, अगर तुमने देखा है previous year के, ज़्यादा नहीं 5-6 साल analyze करो, तुम भी इस conclusion पे आ सकते हो, कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है। Just that I've spent some more than 12 years into this industry. So I have more experience, that's all, right? Otherwise, तुम भी अगर 1-2-3 घंटे थोड़ा सा analyze करो तो तुम भी इन चीज़ों को बहुत आसानी से guess कर पाओगे, ठीक है? कि क्या यहाँ पे तुम्हें ITF से tan inverse x वाले questions आने के chances ज़्यादा हैं, ध्यान रखना, right? This video will be on YouTube, so quite obvious, ये चीज़ें आप exam के बाद भी verify कर सकेंगे, okay? The differentiation से एक 4 marks का question आना चाहिए और यहाँ पे भी मैं guess कर रहा हूँ कि इसमें हाई ऑर्डर डेरेवेटिव के क्वेश्चन आने के चांसेस ज़्यादा हैं, राइट? जैसे इसमें पैरामेट्रिक फॉर्म भी आ सकता है, राइट, पैरामेट्रिक फॉर्म में सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, राइट, d2y/dx2, इस तरह के कुछ क्वेश्चन आने के चांसेस ज्यादा है डिफरेंशिएशन में, जो 4 मार्क्स कैटेगरी में सेक्शन नहीं आएगा, ठीक है? तो यहाँ पे 6 मार्क्स और 4 मार्क्स कैटेगरी को हमने यहाँ पे समझा है और यहाँ पे कितना फोकस करना है। बच्चों देखो, सिलेबस तो रिड्यूस हुआ है बट एट द सेम टाइम इफ यू आर टारगेटिंग अ परफेक्ट 100 चिल्ड्रेन, इफ यू आर टारगेटिंग अ परफेक्ट 100, राइट, you must be very clear about the strategy, right? You should, और strategy ऐसी fakely नहीं बनती है, strategy हमेशा previous year की चीज़ों को study करके बनती है, right? क्या pattern रहा है,
अगर कुछ चेंज हो रहे हैं तो क्या एक्सपेक्टेशन है, और अगर आपको इसी तरीके से कुछ और भी आपके टीचर्स होंगे, आई एम प्रीटी श्योर, राइट, आप उनसे बात करें, अगर इफ इफ दे आर यू नो कंसर्न एंड इफ दे आर हेल्पिंग यू आउट, तो आप उनसे भी ये चीज़ें डिस्कस कर सकते हैं, राइट, यू कैन ऑलवेज क्रॉस चेक विद ऑल दीज फिगर्स, ओके, सो दिस इज जस्ट अ गेस बेस्ड ऑन दी प्रीवियस ईयर पेपर, ओके। टू मार्क क्वेश्चंस के बारे में भी बात करूंगा, टू मार्क क्वेश्चंस में एक क्वेश्चन मेरे ख्याल से इनडिटर्मिनेट फॉर्म पे जरूर से होना चाहिए, एक क्वेश्चन इनडिटर्मिनेट फॉर्म पे, इनडिटर्मिनेट फॉर्म तुम्हें पता होगा, राइट, जीरो बाई जीरो, इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी मोस्टली, हालांकि इनडिटर्मिनेट फॉर्म्स और भी बहुत सारे होते हैं, बट मोस्टली आपको यही वाले फॉर्म्स मिलते हैं, जो आप कैसे सॉल्व करते हैं, एल हॉस्पिटल से, राइट, वी डोंट से इट एल हॉस्पिटल, रादर वी से व्हाट, एल हॉस्पिटल रूल, ओके। तो इनडिटर्मिनेट फॉर्म पे एक क्वेश्चन मुझे ऐसा लगता है होना चाहिए, रिलेशंस एंड फंक्शंस से अगेन यहाँ पे जो 2 मार्क्स का क्वेश्चन तुम्हें मिलने वाला है वो या तो रिलेशंस पे होगा, राइट, रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक इक्विवेलेंस ट्रांजिटिव वाला, या फिर अगर फंक्शन से होगा तो वो 1-1 on 2 work पे बेस्ड होगा, ठीक है, बिकॉज सिलेबस को देखते हुए और कोई चॉइस बनती नहीं है बच्चों, ओके। डेफिनेट इंटीग्रेशन से आप एक ईजी क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हैं इस कैटेगरी में, राइट, डिफरेंशियल इक्वेशन से अगेन देखो, डिफरेंशियल इक्वेशन में तुम्हारे पास 3-4 जो फॉर्मेट्स हैं उसमें तुम अगर देखो कि 2 मार्क्स में क्या आ सकता है और क्या नहीं आ सकता है, तो तुम यहाँ पे भी गेस कर लो कि डिफरेंशियल इक्वेशन में हमें बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से, आईएससी बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से किन टॉपिक्स पे ज्यादा ध्यान देना है। तो डिफरेंशियल इक्वेशन तुम्हें पता है वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म है, राइट, और इसी में एक सब कैटेगरी है रिड्यूसेबल टू वेरिएबल सेपरेबल, ठीक है, जब हम लोग उसको फंक्शन को रिड्यूस कर लेते हैं वेरिएबल सेपरेबल में, देन यू हैव व्हाट, देन यू हैव होमोजेनस, राइट, होमोजेनस, एंड देन यू हैव, हालांकि जो सेकेंड कैटेगरी है वो मैंने यहीं पर मैंशन कर दिया बिकॉज इसी का सब पार्ट है देखा जाए तो, एंड देन यू हैव लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो मेरा गेस ये कहता है कि डिफरेंशियल इक्वेशन का जो क्वेश्चन आएगा 2 मार्क्स में वो इस कैटेगरी से आएगा। अगर गलती से उन्होंने लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन दिया तो वो बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन होगा, और हो सकता है ऐसा भी दे दें कि आपसे पूछते हैं बताओ व्हाट इज द इंटीग्रेटिंग फैक्टर, सिर्फ इतनी सी बातें पूछेंगे। तो बहुत लेंदी या डिफिकल्ट चैलेंजिंग क्वेश्चन यहाँ पे आपको एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए, कुछ ईजी ही आने जा रहा है यहाँ पे, ठीक है बच्चों। देन अगेन 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन डिफ्रेंशिएशन पे जो ईजी होगा वो भी यहाँ पे आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। सो दैट इज हाउ आपके पास जो 5 क्वेश्चन थे 2 मार्क्स के, इसको हम लोगों ने इस तरीके से ब्रेक किया है। मैंने 1 मार्क्स के जो टोटल 15 क्वेश्चन हैं सेक्शन ए में, मैंने उसको ब्रेक करके नहीं लिखा है बिकॉज आई एम श्योर आप भी समझते हैं और मैं भी समझता हूँ कि जो 1 मार्क्स क्वेश्चन है ये पूरे सिलेबस से उठ के आएंगे, पूरे सिलेबस से निकल के आएंगे बेटा, ध्यान रखना, ठीक है। इजी इजी क्वेश्चन होंगे, राइट, और इनको करने की टेक्निक मैं जनरली, बहुत सारे एमसीक्यू क्वेश्चन भी मैंने यहाँ पे अपलोड कर रखे हैं वीडियो पे, राइट, आप लोग अगर मेरे साथ पढ़ रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर आप नहीं भी पढ़ रहे हैं तो मैंने बताया, जो बच्चे मेरे से पढ़ रहे हैं आप उनके टच में रहिए, मैं एमसीक्यू क्वेश्चन भी देता रहता हूँ, ठीक है। सो यू कैन ऑलवेज टॉक अबाउट देम, और वहाँ पे जो 1 मार्क क्वेश्चन हैं ये सारे ही टॉपिक्स होंगे, इसमें मैं कोई स्पेसिफिक टॉपिक मैंशन नहीं कर पाऊंगा, ठीक है, दिस विल बी स्प्रेड इंटायरली, राइट। 1 मार्क क्वेश्चन 15 + 5, आपको पता है +5 किधर है, सेक्शन बी और सेक्शन सी में, तो टोटल आपके पास 20 क्वेश्चन हैं जो 1 मार्कर्स में हैं, इन द इंटायर 80 मार्क्स पेपर आपके पास 20 क्वेश्चन वहाँ पे हैं, ठीक है, तो ये पूरे सिलेबस से ही स्प्रेड ओवर होंगे, इसके लिए मैं कुछ ऐसा गेस नहीं कर पा रहा हूँ, ठीक है, बिकॉज ये पूरे से ही होंगे, ठीक है। लेट्स मूव अहेड, लेट्स टॉक अबाउट सेक्शन बी। सेक्शन बी में क्या है, सेक्शन बी में आपके पास 15 मार्क्स क्वेश्चन है, राइट, इस सेक्शन बी में अगर तुम ध्यान से देखो तो 4 मार्क्स की कैटेगरी में अगेन माई गेस सेज एक क्वेश्चन जो है तुम्हारे पास सीडी से होगा और एक क्वेश्चन एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल से होगा, यानी एरिया अंडर बाउंडेड रीजन, ठीक है, एरिया अंडर बाउंडेड रीजन that is going to be there in your 4 mark category. और एक क्वेश्चन 3D से कंपल्सरीली आना है। 2 मार्क्स में यहाँ पे आपके पास सेक्शन बी में सर्टेनली वेक्टर्स का ही स्कोप बचता है, तो यहाँ पे वेक्टर्स 2 मार्क्स में आना चाहिए। किसी भी एग्जाम में बच्चों ध्यान रखना, 3D को करने के लिए वेक्टर्स पढ़ना कंपल्सरी है, राइट, और वेक्टर्स की किसी भी एग्जाम में वेटेज जो है कम होती है 3D की ज्यादा होती है, ठीक है, तो इसलिए आपको इस तरीके से कुछ चीज़ों को समझना है कि किस बेसिस पे ये सारी चीज़ें की गई, ओके। अगेन 1 मार्क क्वेश्चन जो 5 क्वेश्चन यहाँ पे हैं इसके लिए मैं कोई टॉपिक आपको नहीं दे रहा हूँ, ओके, बट हाँ यहाँ पे ये सारी चीज़ें आप गेस कर सकते हैं कि कौन सा टॉपिक किस तरीके से कहाँ से पिक हो रहा है, ओके। लेट्स प्रोसीड अहेड।
सेक्शन सी, अगर कोई कॉमर्स का बच्चा इसको देख रहा है तो उसको भी ये चीज पता होनी चाहिए कि यहाँ पे आपके पास जो सेक्शन सी में है, फोर मार्क क्वेश्चन में एक क्वेश्चन रिग्रेशन का होना चाहिए, राइट, लीनियर रिग्रेशन का, और दूसरा लीनियर प्रोग्रामिंग का, ठीक है, लीनियर प्रोग्रामिंग का, लीनियर प्रोग्रामिंग के ऊपर जो बेस क्वेश्चंस होते हैं। इसमें मैंने दो क्वेश्चन टाइप स्पेसिफिक बोले हैं जो इस साल आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, राइट। वन ऑफ देम इज डाइट प्रॉब्लम, राइट, एंड द अदर इज ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम, ठीक है। तो इन दो टाइप को ज़्यादा अच्छे से देख लेना। मेरा गेस कहता है कि एलपीसी का, अगर आप सेक्शन सी अटेम्प्ट करने की सोच रहे हैं, सेक्शन सी कॉमर्स वालों के लिए सूटेबल होता है, बट साइंस वाले बच्चे अपनी चॉइस से कर सकते हैं, कोई टेंशन नहीं है। साइंस वालों के पास चॉइस है, इधर दे कैन गो फॉर सेक्शन बी और सेक्शन सी, यू हैव अ चॉइस, ठीक है। तो आप अकॉर्डिंगली देख सकते हैं। देन 2 मार्क्स में एप्लीकेशन ऑफ कैलकुलस के ऊपर क्वेश्चन आने के पूरे पूरे चांसेस हैं बेटा। अगेन 1 मार्क क्वेश्चन में 5 क्वेश्चन कहीं से भी आ सकते हैं, स्प्रेड ओवर द इंटायर सिलेबस ऑफ सेक्शन सी। ऑलराइट, मूविंग अहेड, राइट, नाउ आई विल टॉक ऑफ दी प्रोजेक्ट, राइट। जो मेन पर्पस था इस वीडियो को बनाने का, इस लेक्चर को रखने का, व्हाट वाज दैट, दैट आई शुड हेल्प यू विद द प्रोजेक्ट थिंग। ये जो 20 मार्क्स का प्रोजेक्ट जो फर्स्ट टाइम आईएससी बोर्ड ने इंट्रोड्यूस करा है, राइट, इसमें आप किस तरीके से प्रोजेक्ट करोगे, क्या आपको प्रिपरेशन करनी होगी, एक सैम्पल आपको लेआउट देना, ये सारी बातें अगले ऑलमोस्ट 30 मिनट में आपके पास आने जा रही है, ठीक है। तो ध्यान से देखो प्रोजेक्ट में किस तरीके से तुमने देखना है। कैंडिडेट विल बी एक्सपेक्टेड टू हैव 2 प्रोजेक्ट, राइट, आपको एग्जैक्टली 2 प्रोजेक्ट करने हैं, राइट। एक प्रोजेक्ट आप करोगे सेक्शन ए से, वो कंपलसरी है सारे मैथमेटिक्स के स्टूडेंट के लिए। दूसरा प्रोजेक्ट जो है, अगेन आपके पास चॉइस होगी, यू कैन पिक ईदर फ्रॉम सेक्शन बी और यू कैन पिक फ्रॉम सेक्शन सी, ठीक है। वो चीज़ यहाँ पे सब बोर्ड की वेबसाइट से ही है, राइट, नथिंग न्यू, आपकी ऑफिशियल जो वेबसाइट है वहीं से मैंने पिक करा है। हाँ, ये चीज़ लेकिन ध्यान देने वाली बात है, द प्रोजेक्ट विल बी असेस्ड बाई द सब्जेक्ट टीचर एंड अ विजिटिंग एग्जामिनर अपॉइंटेड लोकली और अप्रूव्ड बाई द काउंसिल। या तो उसको काउंसिल अप्रूव करेंगे या फिर लोकली भी अपॉइंट कर सकते हैं, ठीक है। तो 2 विजिटर्स होंगे बच्चों, ध्यान रखना। अभी मैं तुम्हें इसका लेआउट भी दिखाऊंगा, अगेन जो काउंसिल की वेबसाइट से मैंने निकाला है, ठीक है। सो एवरीथिंग व्हाट एवर यू आर वॉचिंग इज 100% ऑथेंटिकेट बाय, बिकॉज मेजर पार्ट कम्स फ्रॉम दी काउंसिल वेबसाइट, ठीक है। अब इसमें क्या है, देखो इसमें तुम्हारे पास जो मार्क्स एलोकेशन है इसको भी समझने की जरूरत है, ताकि तुम देखो अगर तुम्हारी प्लानिंग अच्छी है, तुम्हारी स्ट्रैटेजी अच्छी है, तुम अगर चीजों को समझते बेहतर हो, तो सर्टेनली यू कैन ऑलवेज परफॉर्म, यू नो यू हैव एन एज ओवर अदर्स। इट इज नॉट जस्ट अबाउट हैविंग नॉलेज, सर्टेनली नॉलेज इज द अल्टीमेट थिंग, बट देन अपार्ट फ्रॉम नॉलेज, इफ यू हैव द आइडिया ऑफ वट कैन हैपन, राइट, इफ यू कैन फोरसी हाउ विल बी द पेपर, हाउ विल बी द वाइवा, देन सर्टेनली थिंग्स विल बी मच बेटर, यू नो यू हैव एन एज विद रिस्पेक्ट टू अदर्स, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो बोर्ड ने, जो काउंसिल ने जो एलोकेशन कराया फॉर्मेटिंग के लिए 1 मार्क्स में, अगर तुम्हारा फॉर्मेट सही है, जो मैं अभी तुम्हें बताने जा रहा हूँ कैसा फॉर्मेट होना चाहिए, कंटेंट तुम्हारा कितना बढ़िया है, राइट, मैं तुम्हें पूरा एक जो प्रोजेक्ट है वो मैं तुम्हें अभी सैम्पल इंटायरली देने जा रहा हूँ, ठीक है। कंटेंट के 4 मार्क्स है, आपने उसमें फाइंडिंग्स क्या किए हैं, मतलब तुम्हारी ऑब्जर्वेशन क्या है, राइट, फाइंडिंग्स को हम लोग ऑब्जर्वेशन भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। उस प्रोजेक्ट में जो तुमने पढ़ा है उसमें तुम्हारी ऑब्जर्वेशन क्या है, तुमने उसको कितना डिटेल तरीके से लिखा है, कितना एक्यूरेटली लिखा है, उसके 2 मार्क्स होते हैं। एंड देन फाइनली 3 मार्क्स तुम्हारे पास वाइवा के हैं, ठीक है। अब ये जो 10 मार्क्स हैं, 10 मार्क्स इज फॉर ईच प्रोजेक्ट। ऐसी तुम्हारे पास एक प्रोजेक्ट वन है, तुम्हें 2 फाइल बनानी है बच्चों, ठीक है, यू हैव टू मेक 2 फाइल्स, प्रोजेक्ट वन एंड प्रोजेक्ट टू, एंड सेम मार्क्स एलोकेशन वहाँ पे भी होगा। अब इसमें मार्किंग जो होगी बेटा, तुम्हारे टीचर भी तुम्हें देंगे, सब्जेक्ट टीचर भी देंगे, एक प्रोजेक्ट के आउट ऑफ 10 मार्क्स वो इस तरीके से तुम्हें देंगे, और जो एक्सटर्नल होगा, राइट, वो भी आपको इसी तरीके से 10 मार्क्स देंगे, राइट। फिर इन दोनों का जो एवरेज होगा दैट विल बी अवॉर्डेड टू यू। लेट्स से आपके सब्जेक्ट टीचर ने आपको प्रोजेक्ट वन में 10 मार्क्स दिए और जो एक्सटर्नल है उन्होंने 8 मार्क्स दिए, ठीक है, तो 10 + 8 = 18 हो गए। आपको जो ओवरऑल प्रोजेक्ट वन में मिलेंगे वो 18/2, यानी कि आपको 9 मार्क्स मिलेंगे, ध्यान रखना, ठीक है। तो वहाँ पे एवरेज लिया जाएगा दोनों टीचर्स का, ठीक है, जो एक्सटर्नल है प्लस जो आपके सब्जेक्ट टीचर है, जो भी इंटरनल वहाँ बैठे हैं। ऑलराइट, तो ये बेसिक चीज़ें हैं, पता होनी चाहिए। देखो ये भी आपकी काउंसिल की वेबसाइट से है, इससे बहुत आइडिया लग जाएगा तुम्हें क्या वेबसाइट, देखो उन लोगों ने इतनी चीज़ें सिर्फ इसलिए डाली हैं ताकि तुम चीज़ों को बेहतर समझ सको। देखो दिस इज द सैम्पल टेबल फॉर प्रोजेक्ट वर्क, ये जो एग्जामिनर के पास होगा ये वो है बेटा। सीरियल नंबर, यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर ऑफ द स्टूडेंट, यहाँ तुम्हारा रोल नंबर होगा जो तुम्हारे एडमिट कार्ड पे प्रिंटेड है, ठीक है। टीचर ए ने तुम्हें 7 मार्क्स में से कितना दिया, विजिटिंग फैकल्टी ने तुम्हें 7 मार्क्स में से कितना दिया, ठीक है।
देन एवरेज ऑफ दो 7 मार्क्स, ये भी आउट ऑफ 7 मार्क्स दिया जाएगा। मैंने ये बात तुमको बताई किस तरीके से इसे होना है, ठीक है। वाइवा अगेन आपके विजिटिंग फैकल्टी ने 3 मार्क्स में से आपको कितना दिया, ठीक है। अब यहाँ देखो वाइवा का जो है इंटायर वेटेज किसके हाथ में है, वाइवा का इंटायर वेटेज विजिटिंग फैकल्टी के हाथ में, ये ध्यान रखना, ठीक है। वाइवा जो है वो विजिटिंग एग्जामिनर के हाथ में ही है, वो आपके टीचर के हाथ में नहीं है। एंड देन फाइनली जो आपको मार्क्स मिलेंगे वो कहाँ से मिलेंगे, सी और डी से मिलेंगे, ठीक है। यहाँ पे जो एवरेज आया आउट ऑफ 7 और प्लस जो एक्सटर्नल ने आउट ऑफ 3 मार्क्स तुम्हें दिए हैं। मैं वाइवा के बारे में भी तुम्हें थोड़ा हिंट जरूर से दूंगा इन दिस वीडियो, ओके। सेम थिंग विल हैपन इन प्रोजेक्ट नंबर 2, ठीक है। सेम थिंग विल हैपन इन प्रोजेक्ट नंबर 2 एंड अल्टीमेटली व्हाट एवर मार्क्स यू स्कोर हेयर एंड यू स्कोर हेयर दैट विल बी एडेड ई प्लस जे, दैट इज योर टोटल मार्क्स आउट ऑफ 20, ठीक है। राइट, सब्जेक्ट, टीचर, विजिटिंग फैकल्टी, ये सारी बातें हैं, ठीक है। ओवरऑल फॉर्मेट 4 मार्क्स, कंटेंट कंटेंट 4 मार्क्स, ओवरऑल फॉर्मेट 1 मार्क, एंड फाइंडिंग फाइंडिंग इज व्हाट, ऑब्जर्वेशन, ठीक है, एंड वाइवा फॉर 3 मार्क्स। तो ये सारी चीजें जो हैं, अब इसको मैं इसको भी ब्रेकअप करने जा रहा हूँ। जैसे मैंने तुम्हें सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी को ब्रेकअप करके दिया, यहाँ पे भी मैं थोड़ा सा ब्रेकअप करूंगा और तुम्हें थोड़ा डिटेल में लेके जाऊंगा, ध्यान से देखते रहना, राइट। एट दी एंड यू विल हैव दी चॉइस टू आस्क क्वेश्चन एज वेल, राइट। अभी आपको जो भी आपके डाउट हैं आप उसको अपना कलेक्ट करके रखो, लास्ट में मैं कमेंट के लिए और क्वेरीज के लिए आई स्टे देयर, राइट, नो नो इशूज। तो सेक्शन ए में पहले तो इसमें ज़्यादा प्रोजेक्ट अलॉट किए गए थे काउंसिल के द्वारा, बट अभी जो है दे हैव रिड्यूस द सिलेबस और हर सेक्शन में अब उन्होंने सिर्फ 3 प्रोजेक्ट किए, ओनली 3 प्रोजेक्ट, ठीक है। अगर आप यहाँ देखें तो सबसे पहला प्रोजेक्ट क्या है, एक्सप्लोर द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स एक्स, राइट। साइन इनवर्स एक्स यहाँ पे ये सुपर स्क्रिप्ट होना चाहिए था, आई एम श्योर यू नो दैट, राइट, देयर इज साइन इनवर्स एक्स, ठीक है, और एनी अदर इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन यूजिंग अ यूनिट सर्कल। इस प्रोजेक्ट को मैं अभी इस वीडियो में तुम्हारे साथ इंटायरली डिस्कस करने जा रहा हूँ और वीडियो के बाद मैं तुम्हें ये पूरा प्रोजेक्ट PDF फॉर्म में देने जा रहा हूँ, तो तुम्हारा कुछ काम तो मैं सर्टेनली आसान कर रहा हूँ, ठीक है। ये पूरा का पूरा प्रोजेक्ट मैं तुम्हें PDF फॉर्म में दे दूंगा। आई अगेन से जो भी बच्चे मेरे साथ जुड़े हुए हैं उनको उनके ऑफिशियल ग्रुप पे मिल जाएगा, जो बच्चे नहीं जुड़े हुए हैं कोई टेंशन नहीं है, जस्ट ड्रॉप अ मैसेज, यू विल गेट इट, राइट, ठीक है। इफ इट इज अ ओपन सेशन, इट इज अ ओपन सेशन इन एवरी मीन, ओके। 9319666162, इस पे आप एक व्हाट्सएप मैसेज ड्रॉप कर दीजिएगा, अपना नाम, स्कूल और सिटी मेंशन कर देना, है ना, एंड राइट डाउन दैट यू नीड द प्रोजेक्ट, ठीक है। यू विदाउट अ क्वेश्चन यू विल बी फॉरवर्डेड द प्रोजेक्ट, ठीक है, डोंट वरी, ओके। सो लेट्स सी, एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग, दैट इज द सेकंड टॉपिक दैट हैज बीन अलॉटेड टू अस, एंड देन देयर इज अ थर्ड टॉपिक दैट इज बेस्ड ऑन बेस थ्योरम प्रोबेबिलिटी से है, ठीक है। तो ये 3 टॉपिक्स हैं जहाँ से कि प्रोजेक्ट वर्क के लिए आपको दिया गया है, ठीक है। इसमें से तीनों में से आप कोई भी एक पिक कर सकते हो, मैं अभी फिलहाल एक टॉपिक आपको अभी के अभी इसी वीडियो में करा दूंगा, ठीक है। बाकी और कुछ अगर हेल्प चाहिए हो तो तुम आगे कॉन्टैक्ट कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं, राइट, आई विल ट्राई एंड हेल्प यू एज मच एज आई कैन, ओके। मूविंग ऑन, सेक्शन बी में अगर आप देखें तो वेक्टर अलजेब्रा के ऊपर आपको एक टॉपिक दिया गया, राइट, दैट इज बेस्ड ऑन पैरेललोग्राम एंड ट्राइंगल, राइट, दैट इज जो लॉ होता है, राइट, आप में से कुछ लोग जो वेक्टर्स कर चुके हैं, राइट, आई एम श्योर दे अंडरस्टैंड कि पैरेललोग्राम और ट्राइंगल लॉ क्या होता है ना, आई एम प्रिटी श्योर यू नो दैट, राइट, वॉट इज दैट, ए बी प्लस बी सी इज इक्वल टू ए, दैट इज द ट्राइंगल लॉ। और अगर आप, है ना, मैं इतनी टीचिंग क्यों कर रहा हूँ, मैं सिर्फ प्रोजेक्ट के बारे में बात करनी है, एक्चुअली टीचर इज एनी डे अ टीचर, राइट, यू कॉन्ट हेल्प इट, ऑल्दो दिस इज नॉट अ परफेक्ट पैरेललोग्राम, बट अज्यूम इट टू बी अ परफेक्ट पैरेललोग्राम, लेट्स से यू हैव अ पैरेललोग्राम ऑफ दिस सॉर्ट, लेट्स कॉल इट O, let us call it A, let us call it B, and let's call it C. Let's say this is vector A, this is vector B. As they are parallel, this is called C. This is also B, okay? Because ये parallel भी है और इसका parallelogram है, तो इसका dimension भी same होगा, ठीक है। तो ये जो ओ सी, ये क्या होता है, ये parallelogram होता है, ठीक है। तो ये इन चीज़ों पर बेस्ड आपको प्रोजेक्ट मिलेंगे। प्रोजेक्ट का अभी लेआउट मैं तुम्हें समझाऊंगा, तुम्हें आइडिया तो लग ही जाएगा कैसे करना है, ठीक है। तो इवन इफ यू चूज टू डू एनी अदर प्रोजेक्ट दैट इज एब्सोल्युटली फाइन। मैं फिलहाल एक ही अभी करा पाऊंगा, बहुत डिटेल नहीं करा पाऊंगा, कोशिश करूंगा एक और प्रोजेक्ट सेक्शन बी से भी मैं करा दूँ किसी और वीडियो में, ठीक है। बट हाँ, एक एक प्रोजेक्ट तो मैं तुम्हें इंटायरली अभी कराने जा रहा हूँ, ओके। तो आइए देखते हैं, ये टॉपिक्स आपकी वेबसाइट पे, आपकी काउंसिल की वेबसाइट पे अवेलेबल है, मैंने वहीं से पिक किए हैं, ठीक है। सो यू शुड also visit that website in case you want any kind of information, right? इधर उधर कोई वेबसाइट विजिट करने से हमेशा अच्छा होता है कि जो ऑफिशियल वेबसाइट है काउंसिल की, वहाँ से इन्फॉर्मेशन गैदर करो, ताकि तुम्हारे पास जो इन्फॉर्मेशन आ रही है इट दैट इज 100% ऑथेंटिकेट, ओके। प्लीज मेक श्योर यू गेट इन टू सच हैबिट, ओके। लेट्स सी,
तो अब मैं तुमसे जो प्रोजेक्ट की बात कर रहा हूँ और उसका एग्जाम्पल दे रहा हूँ, अगेन आई वुड से बहुत लिखने की जरूरत नहीं है, रादर समझने पे फोकस करना, बिकॉज ये पीडीएफ मैं अभी सेशन के बाद आपके ऑफिशियल ग्रुप पे दे दूंगा। ओके तो देखो, सबसे पहले अगर आप देखें तो क्या है, ऑब्जेक्टिव करना होता है किसी भी प्रोजेक्ट को, तुम आगे भी करोगे राइट, यू स्टडी फॉर एनीथिंग, तो आपको क्या करना होता है, सबसे पहले ऑब्जेक्टिव स्टेटमेंट लिखनी होती है। ऑब्जेक्टिव स्टेटमेंट जो आपके काउंसिल ने दे रखी है, बस वही एज इट इज लिखो। क्या? टू एक्सप्लोर द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ द फंक्शन साइन इनवर्स एक्स यूजिंग अ यूनिट सर्कल, ठीक है, दैट इज द ऑब्जेक्टिव। अब इसके लिए हमें प्री रिक्विजिट नॉलेज क्या है राइट, इस प्रोजेक्ट के लिए हमारे पास प्री रिक्विजिट नॉलेज क्या होना चाहिए? सर्टेनली वी शुड नो, वी शुड हैव द बेसिक नॉलेज ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज, प्रॉपर्टीज ऑफ ITF इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस की प्रॉपर्टीज हमें पता होनी चाहिए। अब इस प्रोजेक्ट को प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करने के लिए हमें किस किस मटेरियल की रिक्वायरमेंट है राइट, मटेरियल रिक्वायरमेंट, हमें एक कार्डबोर्ड चाहिए, व्हाइट चार्ट पेपर, पिन बोर्ड, टू स्टील बार, रूलर, निडल, स्टील वायर्स, एंड देन यू विल मूव टू द प्रोसीजर। तो ये जो प्रोसीजर है इसी को कंटेंट कहते हैं, जिसके 3 मार्क्स हैं बेटा राइट। कंटेंट के आपके कितने मार्क्स थे? 3 मार्क्स थे, ठीक है, तो 3 मार्क्स थे। और यहाँ पे अगर आप देखें तो क्या क्या है प्रोसीजर में, सबसे पहले जो जिस तरीके से तुम प्रोजेक्ट डेवलप कर रहे हो वो सारी चीज़ें तुम्हें लिखनी है, ठीक है। जैसे तुम फिजिक्स और केमिस्ट्री में भी करते होगे, कोई तो प्रोजेक्ट हम लोग करते हैं तो उसका पूरा स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर लिखते हैं, ठीक है। सो इट इज़ ऑलवेज गुड टू राइट द पॉइंट इन बुलेट राइट, बाई बुलेट आई मीन गिव देम नंबर 1, 2, 3, 4 एंड 5 राइट, एंड वट एवर सीक्वेंस यू हैव फॉलोड डू दैट। जैसे मैं अभी तुम्हें ये साइन इनवर्स एक्स के लिए बता रहा हूँ, तो मैं इसके लिए एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ठीक है। Place a chart paper firmly on a cardboard, right? With the help of pin boards as shown in the figure. ठीक है, जो भी फिगर में दे रखा है इस तरीके से पिन बोर्ड पे मैंने चार्ट पेपर लगा दिया। ओके, दैट इज फाइन। टेक अ रेडियस ऑफ 1 यूनिट, ड्रॉ अ सर्कल विद सेंटर ओ ऑन दिस। इस तरीके से आपको रेडियस ड्रॉ करना आता है राइट, आपको सर्कल ड्रॉ करना आता है 1 यूनिट का, आप इजिली ड्रॉ कर लोगे। थ्रू द सेंटर ऑफ द सर्कल राइट, ड्रॉ द परपेंडिकुलर एक्सिस, यहाँ से आप सिर्फ परपेंडिकुलर एक्सिस ड्रॉ करोगे, है ना, एक्स और वाई एक्सिस ड्रॉ कर लोगे। ओके, ये तरीके से जनरली आप करते रहे राइट, नथिंग न्यू फॉर यू, बट यस यू हैव टू डू इट लाइक दिस। ओके, देन मार्क द पॉइंट ए बी सी डी, ये सारी चीजें देखो यहाँ पे लिख रखी है ना, जहाँ पे ये ए बी सी डी है, ए बी सी डी अकॉर्डिंगली आपने इसको मार्क कर रखा है, ठीक है। फिक्स टू बार्स पैरेलल टू वाई एक्सिस अपोजिट साइड राइट, एग्जैक्टली तुम जो प्रोजेक्ट अपना फिजिकली बनाओगे वो तुम इन स्टेप्स को यूज करके बिल्कुल रियलाइज कर सकते हो, ठीक है। वेन यू यूज दिस स्टेप, जो इसमें रिक्वायरमेंट लिखी है, अगर आप ये सारी चीज़ें फॉलो करेंगे राइट, चार्ट पेपर और ये जो लिखा हुआ है राइट, टू स्टील बार, है ना, ये सारी चीज़ें अगर आप करेंगे तो ये जो साइन इनवर्स एक्स का ये जो मैं आपको चीज़ें दे रहा हूँ, एग्जैक्टली तुम इस प्रोजेक्ट को फिजिकली बना लोगे राइट। किसी को भी कुछ परेशानी आती है राइट, आई विल बी अवेलेबल एट दिस नंबर, ठीक है। मैंने बार बार ये बात कही, और ये व्हाट्सएप ही करना, डोंट कॉल राइट, ये नंबर कॉलिंग नंबर अभी फिलहाल ऑफिस बंद है तो ये अभी फिलहाल कॉलिंग नंबर नहीं है। मेक श्योर दैट यू ड्रॉप अ व्हाट्सएप मैसेज, ठीक है, जस्ट ड्रॉप अ व्हाट्सएप मैसेज ऑन दैट नंबर, ऑल राइट, इन केस यू फेस एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम स्पेशली इन दिस प्रोजेक्ट। ओके, और किसी प्रोजेक्ट में है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वहाँ पे भी आप डिस्कस कर सकते हैं, बट हाँ इस प्रोजेक्ट की मैं जिम्मेदारी ले रहा हूँ कि ये आप सबसे प्रॉपरली बनना चाहिए, फिजिकली भी बन जाना चाहिए। तो बिल्कुल ऐसे स्टेप बाई स्टेप मैंने यहाँ पे प्रोसेस लिख रखा है राइट, जो आपको फॉलो करना है। Now fix one steel wire between two bars so that the wire can be moved freely, right, to the x-axis as shown in the figure 6.3. तो अभी figure मैंने screen पे आपको दिखाता हूँ। Now fix the needle of unit length, right, such that one end of the needle is at the center of the circle and the other end moves freely along the circle as shown in the figure 6.3. आओ देखो, ध्यान से देखो, right? कुछ इस तरीके से हम लोगों ने इसे fix किया, ठीक है? और यहाँ से हमने अलग अलग डायमेंशन दिए, सब का डायमेंशन तो 1 यूनिट ही होगा ना राइट। तो ये स्टील बार ऐसे यहाँ पे प्लेस है, ये किसके पैरेलल है? वाई एक्सिस के पैरेलल है, जो स्टील बार है आपके पास ये क्या है, ये वाई एक्सिस के पैरेलल है, ठीक है। तो यहाँ से तुम लोगों ने, तुमने 4 ऑब्जर्वेशन ली, M1, M2, M3, M4, तुमने 4 ऑब्जर्वेशन ली, ठीक है। किस तरीके से तुम मूव कर रहे हो ये सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई है। प्लेस द निडल आर्बिट्ररी एंगल x1, कोई आर्बिट्री एंगल है x1 वो हमने ड्रॉ करा है, ठीक है, विद द पॉजिटिव x-एक्सिस, पॉजिटिव x-एक्सिस यू नो दैट। मेजर द एंगल इन रेडियंस इक्वल टू द लेंथ ऑफ द इंटरसेप्टेड आर्क ऑफ द सर्कल राइट, जो भी हमारे पास आर्क की लेंथ है, ठीक है, जो भी आर्क की लेंथ है, आर्क आप जानते हैं ना,
Right, I'm sure you know these things, but still, let me cover it. Let's say you have drawn this circle, right? So this value is the arc, right? This is your arc. Okay, this is the length of the arc. Ye jo arc hai, ye circular path hai. That is your, the arc is a part of the circumference. That should be very clear to you. Slide the steel wire between the bars such that the wire meets the free end. राइट ऑफ द निडल मेक दिस ये सारी चीजें तुम अगर फॉलो करते हो तो तुम इजिली अपने प्रोजेक्ट को एक फिजिकल फिजिकली उसको ऑब्टेन कर लोगे. ठीक है, मैंने यहाँ पे थ्योरी में लिखा हुआ है बिकॉज अब स्क्रीन पे ये चीज़ें बनाना बहुत मुश्किल नहीं है. अगर तुम्हारे पास सारी चीज़ें हैं तो मेरे ख्याल से ऑलमोस्ट 60 to 120 मिनट्स में आप इसको रियलाइज कर सकते हैं. ठीक है, बहुत मुश्किल काम नहीं है, आसानी से बन सकता है. ठीक है, जस्ट मेक श्योर दैट आप प्रॉपरली इनको एग्जीक्यूट करें, जो पॉइंट दिए हैं उनको प्रॉपरली एग्जीक्यूट करें. ठीक है, जस्ट डू ऑल दीज थिंग्स, राइट? आई विल बी पासिंग ऑन द PDF टू यू. ठीक है, ये सारी चीज़ें आप वन बाई वन रिपीट कर सकते हैं इंस्टेड ऑफ रीडिंग इट आउट. राइट, इफ देर इज एनी क्वेरी यू कैन आस्क मी एट द एंड. ठीक है, तो आप इस तरीके से इन पॉइंट्स को अगर फॉलो करते हैं यू विल बी एबल टू रियलाइज कि हाँ ये चीज़ें हैं. यहाँ पे देखो रियलाइजेशन क्या है. Now the move the needle in anti-clockwise. पहले देखो clockwise और anti-clockwise तो आप लोग जानते हैं ना, right? That is anti-clockwise and this is what clockwise. ठीक है, तो आपको angle move करना है -π/2 से +π/2. इसके पीछे भी reason है, right? हम इसी angle को क्यों move कर रहे हैं बेटा, आपको ये भी पीछे -π/2 क्या होता है बेटा, -π/2 होता है this when you move in the clockwise direction till the point OD, right? That is -π/2 and +π/2 is what I'm sure you know that till OB. Right, that is your +π/2. So यहाँ पे क्यों move करते हैं? I hope you remember कि sin inverse x की जो principal range होती है, right? क्या होती है? Principal range होती है. वो क्या होती है बच्चों? That is -π/2 to +π/2. तो आपको उससे आगे जाने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है. ध्यान रखना. ठीक है? You'll move in the principal range. Please be sure about it. By sliding the steel wire, we see that the value of y coordinate for points m1, m5, m6, m7, m8 are different. Therefore, sine function is 1, 1 in the domain this. ठीक है, अब यहाँ पे ये आप realize करते हो कि यहाँ पे जो इसकी जो length आती है वो different आती है. तो यहाँ पे जो function है क्या हो जाएगा? For different angles, if you have different values, what does that mean? That is the function is a 1, 1 function. ठीक है, तो ये वाली चीज यहाँ से आप realize करते हैं और उसकी range कहाँ से कहाँ तक आती है? -1 से लेके +1 के बीच में आती है. ठीक है, that is how you can finish this physically. ठीक है, ये writing part जो है ये पूरा PDF में आपके पास है. इन सारी चीज़ों को तुम्हें properly execute करना है, मुश्किल नहीं है. मैं फिर से बता रहा हूँ, hardly 60 minutes से 120 minutes का काम है अगर तुम properly सारे accessories लेके बैठो, जो मैंने list भी दे रखी है कौन कौन सी चीज़ें तुम्हें लेकर के बैठनी है. ओके, नाउ एट द एंड आपको क्या करना है, नाउ प्लेस द निडल आर्बिट्री. ठीक है, फिर आपको ये जो है, बिकॉज देखो इसको हम लोग जो इनवर्स फंक्शन होता है उसको साइन इनवर्स एक्स को हम लोग आर्क साइन भी लिखते हैं. ठीक है, साइन इनवर्स को हम लोग आर्क साइन भी लिखते हैं, है ना. अगर मैं बोल रहा हूँ आर्क साइन तो इसका मतलब ही क्या है, ये इनवर्स फंक्शन ही. ठीक है, तो आर्क साइन इसके पीछे भी रीजन ये है बिकॉज ये आपके सर ये आर्क पे ही डेवलप होते हैं. ठीक है, सारी की सारी चीज़ें किसी भी आर्क पे डेवलप होती हैं. राइट, अब साइन इनवर्स एक्स अगर मैं बात करूँ ये है क्या, तो ये कुछ नहीं, ये एंगल है. राइट, इस आर्क की वजह से जो एंगल मेरे पास सेंटर पे बना है दैट इज साइन इनवर्स एक्स. अगर इस x की लेंथ, अगर इस आर्क की लेंथ मेरे पास, राइट, आर्क की लेंथ अगर मेरे पास x है तो यहाँ पे जो मेरे पास थीटा डेवलप हुआ है वही तो साइन इनवर्स x होता है. ठीक है बच्चों, तो ये सब चीज़ें हमें ध्यान रखनी है. और फर्दर फिर y इज इक्वल टू साइन थीटा एंड जो बेसिक जो ट्रिगोनोमेट्री और ITF के रूल्स हैं वो आप इस तरीके से मेंशन करेंगे. ठीक है, जस्ट टू मेक श्योर दैट यू डोंट लीव एनी स्कोप फॉर मार्क्स रिडक्शन. ऑलराइट, एंड देन दैट इज द लास्ट थिंग दैट यू ऑब्जर्व और यू डू इन द स्टेटमेंट. राइट, द डोमेन एंड द रेंज, जो चीज़ आपको पहले से ही पता है, जो आपने फंक्शंस में ITF में कर रखी है, व्हाट इज द डोमेन ऑफ साइन इनवर्स एक्स, इट इज फ्रॉम -1 to +1, एंड व्हाट इज द रेंज ऑफ साइन इनवर्स एक्स, इट इज फ्रॉम -π/2 to +π/2. ठीक है, तो द रेंज ऑफ आर्क साइन फंक्शन इज कॉल्ड द प्रिंसिपल वैल्यू. राइट, आई जस्ट डिस्कस इट ऑफ आर्क साइन और साइन इनवर्स. राइट, दैट इज ऑल द सेम. आर्क साइन बोलो आप या साइन इनवर्स बोलो, एक ही बात है. राइट, दैट इज द सेम थिंग. राइट, टू डिफरेंट नेम्स फॉर द सेम थिंग. तो ये आपने फिर लास्ट में यहाँ पे कंक्लूड करना है. ऑब्जर्वेशन, राइट, ऑब्जर्वेशन जो उन्होंने बोला फाइंडिंग्स. ठीक है, काउंसिल ने इसको क्या बोला है, फाइंडिंग्स. तो आप यहाँ पे चाहो तो फाइंडिंग्स लिख लो तो और भी अच्छा रहेगा. ठीक है, मैंने इस प्रोजेक्ट के लिए एक बुक यूज की है, उसको स्कैन किया है और वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ.
ठीक है, आप यहाँ ऑब्जर्वेशन की जगह पे अगर फाइंडिंग्स लिखेंगे तो बेटर इसलिए होगा, हालांकि ऑब्जर्वेशन बिल्कुल भी गलत नहीं है, दैट इज एब्सोल्युटली फाइन, और मीनिंग वाइज भी आपको पता है इज एग्जैक्टली सेम, ठीक है। फाइंडिंग्स आप लिखेंगे तो इसलिए बेटर होगा क्योंकि आपके काउंसिल के वेबसाइट में उन्होंने बोला है भैया फाइंडिंग्स लिखो, ठीक है, तो यू कैन राइट फाइंडिंग्स, नो इश्यूज, इवन इफ यू राइट ऑब्जर्वेशन दैट इज एब्सोल्युटली अंडरस्टूड बाई एनी वन एंड एवरी वन, ठीक है, बट आई वुड सजेस्ट राइट द वर्ड फाइंडिंग्स, राइट, प्रेफर द वर्ड फाइंडिंग्स ओवर ऑब्जर्वेशन, ठीक है, रेस्ट इज योर चॉइस। अब इसमें आप ऑब्जर्वेशन में फाइनली क्या लिखोगे, साइन फंक्शन इज नॉन नेगेटिव इन फर्स्ट एंड सेकेंड क्वार्टर, ठीक है, फॉर द थर्ड एंड फोर्थ, तो वही चीज़ें जो तुम ऑलरेडी साइन फंक्शन के बारे में जानते हो। साइन फंक्शन क्या होता है भाई, फर्स्ट और सेकेंड क्वार्टर में नॉन नेगेटिव होता है, और तुम ऐसा कह लो कि पॉजिटिव होता है, बल्कि नॉन नेगेटिव ज़्यादा अच्छा होगा क्योंकि जीरो भी तो होता है ना, इसलिए नॉन नेगेटिव वर्ड इज अ बेटर वर्ड हेयर आई वुड से, ओके, बिकॉज जीरो होता है, तो जीरो इज नीदर नेगेटिव नॉर पॉजिटिव, तो अगर आप नॉन नेगेटिव वर्ड यूज कर रहे हो, पॉजिटिव गलत नहीं है बट नॉन नेगेटिव ज्यादा एक्यूरेट है, आई होप यू अंडरस्टैंड द डिफरेंस, ओके, तो इफ यू यूज नॉन नेगेटिव वर्ड दैट इज बेटर टू यूज हेयर, ठीक है। और थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन आपको पता है नेगेटिव होते हैं, राइट, इंक्लूडिंग जो यहाँ पे भी इन्होंने यहाँ पे लिख दिया, स्पेशली दे हैव मेंशनड इट, यहाँ पे अगर इनको नेगेटिव नहीं, अगर ये नॉन पॉजिटिव लिखना चाहते तो ये वर्ड ये चीज़ इनको लिखने की जरूरत नहीं पड़ती, तो आप अकॉर्डिंगली यूज कर सकते हो, ठीक है। प्लीज मेक श्योर कि एज इट इज कॉपी मत कर देना इस प्रोजेक्ट को, है ना, थोड़ा थोड़ा माइनर चेंजेस कर देना, और बहुत अच्छा होगा कि अगर तुम इन्हीं गाइडलाइंस के बेसिस पे अगर कोई और प्रोजेक्ट भी कर सको तो ये और भी अच्छी बात होगी। देन फाइनली दो स्टेटमेंट हम लोगों ने साइन के बारे में फाइंडिंग्स लिखे, और थर्ड हम लोग ऑब्जर्वेशन किसके बारे में दे रहे हैं, इनवर्स के बारे में दे रहे हैं, थीटा इज वॉट साइन इनवर्स ऑफ एक्स, इसको आर्क साइन वाई बोल सकते हैं, और यहाँ पे ये थीटा की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होती है, -5 वैल्यू से करता है, दैट इज ऑल। At the end, you must write the conclusion from the above activity. We find that the principal range of their system. That is the conclusion of any project. Application आपकी choice है, आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं. I would say this is optional. Council ने आपको लिखने को नहीं कहा है, but हाँ, अगर आप देखो, project देने का purpose ही ये है कि तुम practicality में चीज़ों को समझ सको, ठीक है, तो अगर आप application लिखते हैं तो that is certainly a good thing. कहीं ना कहीं external इन चीज़ों से interest होता है, okay? So दिस एक्टिविटी गिव्स दी कंसेप्चुअल क्लैरिटी अबाउट प्रिंसिपल वैल्यू, किसी भी एक्टिविटी से होता क्या, हमें कंसेप्चुअल क्लैरिटी मिलती है, राइट, कि जो कॉन्सेप्ट हम इतने दिन से रट रहे हैं, पढ़ रहे हैं, उसको यूज कैसे करते हैं, इसका मतलब क्या है, ठीक है, सो सडनली यू गेट अ कंसेप्चुअल क्लैरिटी अबाउट दीज फंक्शन, ऑलराइट, सो दिस विल बी फॉरवर्ड टू यू ओवर द व्हाट्सएप, राइट, अभी क्लास के बाद मैं इमीडिएटली आपको ये फॉरवर्ड कर दूंगा। कुछ क्वेश्चन मैंने यहाँ पे फिर से नोटिस किए, आप जो भी प्रोजेक्ट करोगे उस पर आपको वाइवा की प्रिपरेशन भी करनी चाहिए, ठीक है, जो आपका वाइवा होने जा रहा है जो एक्सटर्नल के हाथ में है 3 मार्क्स, ठीक है, 3 मार्क्स जो आपके सब्जेक्ट टीचर के हाथ में नहीं है, जो एक्सटर्नल के हाथ में है ना, तो आप इसकी प्रिपरेशन जो भी टॉपिक आप कर रहे हैं उसके बारे में बेसिक, जैसे मैंने आपको अभी साइन इनवर्स पे कराया, तो मैं इससे कुछ क्वेश्चंस और आंसर्स आपको बता देता हूँ, जैसे इससे एक्सटर्नल क्या पूछ सकता है, आपसे रेंज पूछ सकता है, नहीं जैसे तो कुछ पता नहीं है, एक्सटर्नल तो जो चाहे वो पूछ सकता है, लेकिन हाँ जो आपने प्रोजेक्ट किया है 90% चांसेस है कि क्वेश्चन बन के पूछे जाएंगे, ठीक है, तो रेंज की बात हो सकती है, राइट, प्रिंसिपल वैल्यू किसी चीज़ की पूछ सकते हैं, अब प्रिंसिपल वैल्यू हमेशा कहाँ से कहाँ तक होती है, रेंज के अंदर ही होती है, -5/2 से +5/2, ठीक है, तो ये -1/√2 है तो क्या हो जाएगा, -5/4 हो जाएगा, ठीक है बच्चों, ऐसी 3, 4, 5 क्वेश्चन, शायद 7 क्वेश्चन यहाँ पे थे, जो 7 क्वेश्चन मैंने याद रखे हैं। हाउ डू यू फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ अ इनवर्स फंक्शन, डोमेन और रेंज आप कैसे कैलकुलेट करते हो, ठीक है, तो इन्होंने यहाँ पे लिखा फाइंड द डोमेन एंड इनवर्स, जस्ट फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ द ओरिजिनल फंक्शन, बिल्कुल सही बात है, बट यहाँ पे मैं एक पॉइंट और ऐड करूंगा, अगर मेरा एग्जाम में मेरे से पूछ रहा है तो मैं यहाँ पे जरूर से बोलूंगा, राइट, जस्ट टू मेक श्योर दैट द फंक्शन इज इन्वर्टेबल, इफ द फंक्शन इज इन्वर्टेबल दैट मीन्स इट इज 1/1/2, ठीक है, आपको ये वाली बात आई एम श्योर जिसने फंक्शन पढ़ा है वो इस बात को जानते हैं, ठीक है, इफ द फंक्शन इज इन्वर्टेबल इट इज 1/1/2, बिकॉज आपको पता है जो साइन फंक्शन होता है, राइट, अगर मैं साइन एक्स की बात करूँ बच्चों, साइन एक्स की बात करूँ, और मैं अगर इसके डोमेन की बात करूँ, और अगर मैं इसके रेंज की बात करूँ, तो इसका डोमेन क्या होता है, ऑल रियल नंबर्स, और इसका रेंज क्या होता है, -1 से लेकर के +1 तक, ठीक है, वेयर एज जब मैं इसका इनवर्स फंक्शन लेता हूँ, लेट मी राइट इट विद अ डिफरेंट कलर, राइट, लेट्स से आई टॉक अबाउट साइन इनवर्स एक्स, आई टॉक अबाउट साइन इनवर्स एक्स, एंड नाउ इफ आई से दैट आई विल बी रिप्लेसिंग द डोमेन एंड रेंज, इट विल बी रॉन्ग, इवन यू रियलाइज दैट, राइट, Why is it wrong? If I say -1 to +1, even that is okay. ये तो फिर भी acceptable है. But अगर मैं range में r बोल दूँ तो ये गलत हो गया. क्यों गलत हो गया? क्योंकि ये 1-1 function नहीं रहा ना. It is not a 1-1 function. और rather ये onto भी नहीं है अभी तो. ठीक है, तो हमें क्या करना पड़ता है यहाँ पे? यहाँ पे हमें इसकी range को redefine करना पड़ता है so that it remains 1-1 and onto. ठीक है?
तो ये वाली चीज अगर यहाँ मेंशन कर दो तो अच्छा रहेगा, ठीक है, माइनस फाइव बाई टू से प्लस फाइव बाई टू। आई होप यू अंडरस्टैंड ऑल दैट। इज एफ सच दैट आर टू दिस, आई होप ये जो स्टैंडर्ड डिनोशन हैं ये आप लोग जानते हैं, राइट। अगर तुमने थ्योरी की पढ़ाई से की है तो ये सब बातें बहुत ईजी हैं और तुम्हें जरूर पता होने चाहिए कि इसको कैसे पढ़ते हैं। एफ इज अ फंक्शन सच दैट इट इज फ्रॉम आर टू माइनस वन टू प्लस वन, दैट मीन्स द डोमेन ऑफ दिस फंक्शन इज ऑल रियल नंबर्स एंड द कोडोमेन ऑफ द फंक्शन इज माइनस वन टू प्लस वन, दैट इज द मीनिंग ऑफ दैट। ओके, तो डिफाइन एज एफ एक्स साइन एक्स इज इन्वर्टेबल, आपसे बोला गया क्या ये फंक्शन इन्वर्टेबल है? नहीं, बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है ना, क्यों नहीं है, राइट। इन्वर्टेबल सिर्फ और सिर्फ तभी होगा, राइट, साइन एक्स मेरे पास इन्वर्टेबल तभी होगा कि ये जो मेरे पास आपका रियल नंबर है, राइट, ये रियल नंबर यहाँ पे नहीं चलेगा ना, यहाँ पे क्या होना चाहिए ये बात हमने अभी देखी, ठीक है। सो दैट इज हाउ विल से नो बिकॉज साइन एक्स इज एग्जैक्टली वही चीज़ है जो मैंने हमको में बताई, ठीक है। देन दे आर सेइंग इज साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू वन बाई साइन इनवर्स एक्स, राइट। कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो इसको सही बोल देते हैं, प्लीज मेक श्योर देयर इज नथिंग लाइक दैट, राइट। अगर आपके पास साइन इनवर्स एक्स की बात कर रहे हैं बच्चों, तो साइन इनवर्स एक्स एक एंगल होता है, इट इज एंगल, और अगर वो कभी भी साइन एक्स की पावर माइनस वन की बात कर रहे हैं देन दैट इज नथिंग बट वन बाई साइन एक्स, राइट, वन बाई साइन एक्स, और यू कैन से विच इज कोसेक एक्स, ठीक है, दैट इज अ ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो। सो प्लीज डोंट कंफ्यूज बिटवीन देम, राइट। इट्स अ वेरी कॉमन एंड सिली मिस्टेक दैट चिल्ड्रेन डू, तो मुझे लगा चलो यहाँ पे ये सब बातें डिस्कस हो जानी चाहिए थोड़ी सी। ओके, सो कमिंग टू द लास्ट स्लाइड दैट आई हैव मेड फॉर यू, राइट, कुछ इस तरह के क्वेश्चंस भी आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं वाइवा में। राइट द वैल्यू ऑफ ट्वाइस ऑफ टेन इनवर्सेस, तो इसके अगेन इसके लिए अगर तुमने बेसिक आईटीएफ के प्रिंसिपल सीख से किए हैं, आइडेंटिटीज सीख से करी हैं, तो तुम्हें ये चीज़ें आती हैं, राइट। इसको हम लोग ट्राइंगल मेथड से जनरली कर लेते हैं, ठीक है। टेन की मैंने तुम्हें ये बताया भी कि फोर मार्क्स क्वेश्चन में आईटीएफ का जो क्वेश्चन आने जा रहा है वो टेन पे आने जा रहा है, ऐसा मैंने बड़े कॉन्फिडेंस से कह दिया तुम्हारे को, ठीक है, तो पढ़ लेना, ठीक है, राइट। अगर मैं जनरली कोई भी चीज़ कहता हूँ तो कम से कम उसमें से 80% चीज़ें सही हो जाती हैं बच्चों, ठीक है। आई एम श्योर यू नो दीज थिंग्स, इफ यू डोंट नो प्लीज नो इट, राइट। एग्जाम में ये बेसिक बातें नहीं जानोगे तो कैसे होगा बच्चों, राइट। सिमिलरली ऐसा क्वेश्चन आप जो है सेवन्थ क्वेश्चन भी इजीली कर सकते थे, तो इस टाइप के क्वेश्चन आप वाइवा में एक्सपेक्ट कर सकते हैं, राइट। आई विल बी कीपिंग इट शॉर्ट एंड सिंपल हेयर, राइट। आई विल बी स्टॉपिंग द रिकॉर्डिंग, और इसके बाद अगर कोई भी कुछ क्वेश्चन पूछना चाहता है तो पूछ सकता है।